कोरबा जिला पुलिस महकमा अपराध के हाईटेक तरीकों की तकनीकी जानकारियां सीख रहा है। इसे लेकर शनिवार को जहां कटघोरा थाना के पीछे गोकुल धाम में साइबर अपराध जांच कार्यशाला आयोजित की गई थी, वहीं जिला पंचायत भवन में जिला मुख्यालय में यह सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें अपराध के हाईटेक होते तरीकों को हाईटेक अपराधियों से निपटकर इस तरह के अपराधों में कमी लाने के लिए थानेदारों व स्टाफ को प्रशिक्षण दिया गया। पुलिस अधीक्षक सहित राजपत्रित अधिकारियों व थानेदारों ने साइबर तकनीकों से रूबरू होकर बारीकियों को जाना। पूरे महाराष्ट्र से आए सॉफ्टवेयर इंजीनियरों सुमित पॉल व जगदीश शर्मा ने एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में कई पहलुओं से अवगत कराया। जिला सहित प्रदेश भर में अपराधों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। परंपरागत तरीकों के अलावा अब चोरों ने हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है और साइबर अपराध बढ़ने से कई बार जांच में पुलिस को काफी दिक्कतें भी उठानी पड़ती है। ऐसी समस्या को हल करने के लिए खासकर पुलिस विभाग के लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर लाया गया है जो साइबर अपराध पर नियंत्रण में विशेष सहयोगी होगा। इस सॉफ्टवेयर की बारीकियों को समझने के साथ ही साइबर अपराध होने पर उसकी विवेचना, कॉल डिटेल निकालने व अध्ययन करने के तरीके आदि को भी समझाया गया। कार्यशाला में उपस्थित पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि पुलिस विभाग के लिए यह सॉफ्टवेयर काफी उपयोगी साबित होगा। प्रशिक्षण में एसडीओपी संदीप मित्तल, डीएसपी मुख्यालय रामगोपाल करियारे सहित कोरबा अनुभाग के सभी थाना व चौकी के प्रभारी व स्टाफ उपस्थित थे। जिला पुलिस कोरबा द्वारा एक साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसमें जो है पुणे से दो सदस्यीय टीम आई हुई है जो यहाँ के पुलिस विवेचकों को जो है साइबर क्राइम का ट्रेनिंग दे रही है, ताकि जो अपराध वर्तमान में घटित हो रहे हैं जो साइबर क्राइम से रिलेटेड हैं, जैसे मोबाइल है, कंप्यूटर है, ईमेल है, जीमेल है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इससे संबंधित जो अपराध घटित हो रहे हैं उसका किस प्रकार से विवेचना की जानी चाहिए और किस प्रकार से अपराधियों को पकड़ना चाहिए, इस संबंध में समस्त जानकारी उनके द्वारा प्रोवाइड करा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए पूजा साहू के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।